तो दोस्तों मेरा जो है अब यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा क्योंकि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया और इतना सारा 2-3 लाख का जो है हमने सामान ले लिया। अब क्या होगा? ना जाने दीजिए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो फिर से हम लोग मेहनत करेंगे। आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को और बहुत आगे तक ले जाए ताकि मेरा पेमेंट आने लगे और मैं फिर से, क्योंकि मेरा लोन चलता है महीने का 30 से 35 हज़ार, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें प्लीज। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो है 7 सितंबर और ये वीडियो हो रहा है 7 सितंबर को शुरू, और देखते हैं दिन भर क्या क्या करना है। तो अभी मैडम जी उठ के झाड़ू लगा रही थी और टाइम हो रहा है अभी 6 और हम चल रहे हैं शॉप पे, दुकानों पे, क्योंकि अकेले हैं जनाब, कारीगर वगैरह नहीं है, क्योंकि इस महीने खुद के दुकान के कमाई से कैमरा का लोन और जो कर्ज है उसका सूद वगैरह देना है, बजाज का भी फाइनेंस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो दुकान से ही सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए देखते हैं हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को अच्छे लगे तो। चलिए दुकानों पे और दिल खोल के बात करते हैं। नहीं जी जी, तो चलो जाओ अपना झाड़ू लगाओ। और देखिए सुबह सोने के लिए आते हैं घर से, दुकान से चलते हैं 9 बजे और यहाँ पे खाना वाना खाते, वीडियो वगैरह शूट होते हैं लगभग कभी 12 बज जाता है तो कभी 12:30 हो जाता है। नहीं, और सोते हैं और सुबह 4 बजे का अलार्म है मेरे मोबाइल में, 4 बजे जग जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं, हल्का एक्सरसाइज करते हैं, नहा धोवा के फिर 6 बजे रेडी हो चुके हैं शॉप पे जाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, इतना ज़्यादा कर्ज है ना, जो वीडियो आप सभी को देखने को मिल जाएगा स्पेशल हमने शूट किया है, और वैसा गलती आप लोग कभी मत करना। तो चलिए फिलहाल लेट हो रहा है क्योंकि काम भी ज़्यादा है और अकेला ही खुद से करना है। एक सियाज है तो शॉर्ट वगैरह बनाता है, तो अभी मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मन में आता है तो कभी एक शॉर्ट कभी दो शॉर्ट कभी नहीं भी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मैट्रिक में हो तो मैट्रिक की तैयारी कर रहा है जम कर, तो अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट है। नहीं जी। तो चलिए चलते हैं दुकानों पर और आप सभी से बात करते हैं। दोस्तों तो अभी हम दुकान में हैं और टाइम हो रहा है 1:15, क्योंकि ब्लॉग जो है लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह किए थे फिर अभी कर रहे हैं। ये देखिए काम आप सभी को दिखा दे रहे हैं, शॉर्ट पैंट कितना है सीने के लिए, ये देखिए सिया शॉर्ट सीता है, तभी 13-14 को शॉर्ट है और उसको काम ही नज़र नहीं आता है। और ये देखिए पैंट है 4 और इस बार हम क्यों दिखा रहे हैं आप सभी को बता दे रहे हैं, क्योंकि इस बार मुझे यूट्यूब से पेमेंट नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है कि $100 नहीं पूरा है, 3-3 चैनल मिलाकर भी $100 नहीं पूरा यार, मैं क्या बताऊँ आप सभी को। फिलहाल खैर वो छोड़िए, जो भी लोन जमा करना है, घर चलाना है, पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्च है दुकान से ही मेंटेन करना है, अगर इंशाल्लाह हो पाया तो सही है, इसलिए हम कारीगर से काम नहीं कर रहे, खुद से कर रहे हैं दिन रात मिलाकर, जैसे आपको ब्लॉग में देखने को मिलता है कि कब हम आते हैं और कब जाते हैं, चाहे जितना सिलाए, क्योंकि एक मास्टर ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि आदत छूट जाता है, प्लस कस्टमर से समझना आता है, काम देना काम लेना, कटिंग करना, सामान ले आना, धागा ले आना, बहुत ऐसा काम रहता है जो करना पड़ता है मास्टर लोग, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रिलेशन का भी काम रहता है करना, तो मैं क्या बताऊँ, अभी ब्लाउज सीने जा रहा हूँ रिलेशन का ही, और इसी में मैं तबाह रहता हूँ, घर का रिलेशन और अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन वर्कर लोग ले लेगा, बनाएगा ही नहीं, अभी अल्ट्रेशन 3-4 बनाया, उसी में टाइम मेरा पास हो गया, आप क्या करें। तो चलिए फिलहाल जो भी है करते हैं, अभी इतना काम रहते हुए मैं ये काम नहीं करना पड़ेगा, ये रिलेशन का जो ब्लाउज है वो बनाना पड़ेगा, तो एक दर्जी का लाइफ हम क्या बताएं। और इसी में ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशानी है, इतना ज़्यादा परेशानी है कि मैं क्या, कभी कभी मन करता है कि इस काम को छोड़ दें, फिर हम देखते हैं कि जितना मैं यहाँ कमा रहा हूँ उससे आधा भी कोई कंपनी मुझे पेमेंट नहीं देगा। बात सही है, यूट्यूब से और दुकान से जितना कमाता हूँ उतना जो हम काम करते हैं, है कि नहीं, बट मैं क्या करूँ। चलो अब कर्ज ज़्यादा है तो निपटना तो पड़ेगा, फिलहाल चलिए बात करने से अच्छा है कि काम पे फोकस करें और काम करें। दोस्तों वीडियो एडिट करते करते मुझे नींद लगने लगा था, क्योंकि ये ब्लाउज सीकर फिनिशिंग भी करना है और बैठे हैं यहाँ पे, और वीडियो एडिट करके जैसे ही एक्सपोर्टिंग पे डाले हैं, देखिए एक्सपोर्ट हो रहा है और मुझे लगने लगा है नींद। जब भी नींद लगने लगता है तो मुझे पान खाने का बहुत ज़्यादा शौक था, आदत था, मैंने उसको छोड़ दिया, लगभग 2 से 3 महीना हो गए छोड़े हुए बिल्कुल। अभी क्या चीज का सहारा लेता हूँ, ये देखिए चॉकलेट, ये सेंट्रो फ्रेश, कभी कभी वो भी 2 से 3 दिन पे
डेली नहीं, बिल्कुल नशा मुक्त हो चुका हूँ और फिलहाल जो है फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग करने के बाद स्टिचिंग काम करेंगे, क्योंकि कटिंग का काम तो मैंने कल ही समाप्त कर दिया। लास्ट में शाम को दो सेट आया शॉर्ट पेंट स्कूल ड्रेस, उसको भी मैंने कटिंग कर दिया और लेट से किया घर। फिलहाल अभी हम फिनिशिंग करेंगे और एक्सपोर्टिंग, तो वीडियो एडिट कर चुके हैं, एक्सपोर्टिंग पे चढ़ाए हुए हैं, इसके बाद इसको अपलोड कर देंगे। ये पैंट कटिंग का वीडियो है जो मेरा आर एस फैशन डिजाइनर बुटीक पे जाएगा, सिलाई वाले पे। चलिए फिलहाल फिनिशिंग करते हैं, फिर जो है नाइट में बात करते हैं आप सभी से। ये हुआ औरतों वाला काम, बट ऐसा बात कुछ नहीं है, ये मेरा पेशा है और हम एक दर्जी हैं, तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिलहाल अगर आप सब सिलाई सीखना चाहते हो तो मेरे आर एस फैशन डिजाइनर बुटीक चैनल पर जाकर सिलाई सीख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाता हूँ। बिल्कुल जींस शॉर्ट पैंट कोट हर चीज, उसके बाद लेडीज का भी बीच बीच में डालते रहता हूँ, परफेक्ट पर जाकर आप सिलाई सीख सकते हो उस चैनल पे। ये क्या रोटी अपना भुजिया बनाएंगे खाली बैठे हैं? ये बताओ, 4 बजे पौने 4 में ना थी लंच होगा, तो कौन ना कौन ना खराज ले ठोकर जाता, क्या करी बनाए क्या अपना खिचनी है दुनिया खाने वाली। शिष्य अच्छा नहीं देते हैं, रात को खाते हैं, ऐसे तो आदत है। और कुछ ना कुछ ना पता नहीं खाली है ना, इधर वान वान का बोलने लगा। ठीक 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 तो बस क्या करे दोस्त, पैसा कम कमाते हैं, चाहे जब खाना मिले खाना तो पड़ेगा। अगर यही पैसा ज्यादा कमाते हैं ना, इतना बोलते इतना बोलते इतना बोलते कि आप कुछ समझ नहीं पाते। पैसा रहता तो फिर बोलते क्यों, जाते होटल में बिरयानी खाते हैं। नहीं, पैसा रहने का कुछ बात ही कुछ अनमोल है। खैर कुछ नहीं, सस्ता हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आया, और गुस्सा को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब जो है मैं सोच लिया कि मुझे गुस्सा ही नहीं होना है, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो दिल्ली का ब्लॉग है, तो आप सभी को रियल हर चीज देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल 4 बजे लंच करते हैं, नहीं अभी आने में समय लगेगा 10-15 मिनट। मेरा फेवरेट खाना बनाई है रोशन तारा, और एक बार आप खा लोगे ना तो आप नाम लोगे, कितना स्वादिष्ट बनाती है ये खाना। मैं आप सभी को अभी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कितना मुर्गी गार के हंस रही है, अंदर ही अंदर हंस रही है, ठीक है। और ये देखिए क्या बना हुआ है, आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। और इसमें देखिए एक अलग से जो है गोश्त पड़ गया है, ये दिखाओ दिखाओ कीड़ा। और ये देखिए खाली जो है सिरवा लग रहा है, इसमें गोश्त का साई पता नहीं है, अच्छा अंदर है। और ये भुना हुआ है, और ये रोशन तारा के मुँह से पानी आ गया है, खा लो खा लो। मुँह से पानी आ गया है, अच्छा मेरे में से पानी आ गया। हाँ क्या करे दोस्त, इतना ही लजवाब बनाती है। और ये हमारी लड़की जो है देख सकते हैं सोई है, जोया अभी जग गई है आवाज़ सुन के, और इसके लिए लाया था ये देखिए कालाकन, ये दे दिया है, देसी कालाकन दे दिया है दोस्त, देसी ना चाइनीज दे दिया है। अच्छा चाइनीज दे दिया है, देख रहे हैं चाइनीज दे दिया है, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। और ये ज्यादा दिन ये लड़की को जो है छोटे बच्चे को हानि भी करेगा, क्योंकि दूध का एक बनता है तो वो नहीं था, बोला है कुछ बोला है लेकिन हम सुने नहीं है, बोले हैं ठीक है दे दीजिए, तो वो दे दिया, परफेक्ट। तो चलिए अभी खाना खाते हैं दोस्त, खाना सामने रखकर ये वीडियो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना महक आ रहा है, इतना खुशबू टेस्टी आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। और वाकई में हमेशा ये सरप्राइज देती रहती है, और सबसे ज़्यादा जो है मेरा फेवरेट बिरयानी है, और ये भी बिरयानी से कम नहीं लगता है। और जाहिद जो है आते आते शुरू कर दिया है, खा लिया है। कैसा था जाहिद? सही था। इधर आओ इधर, कैसा था? सही था। सच में? तो चलो भाई, सही सुनने के बाद भी अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
चिखने के चक्कर में खिलाना ही भूल गया। खा लो। आपको भी खाना है? ये हमसे उतना प्यार नहीं करती है। बिल्कुल नहीं करती। काम कर दे लड़की, मैं समय पे जाओ साफ सफाई करने। बच्चे इतना आसानी से नहीं पोसाता है। जैसे ही खाना खाने बैठे यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का कदर नहीं करते हैं, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं। चलिए हम खा लेते हैं, रोशन तारा बाद में खाएगी। तो दोस्तों इस बार जो है YouTube का पेमेंट नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि महीने का 30-35 हज़ार मेरा लोन जाता है, बजाज का, HDFC का, SBI का, और गवाई जो है सूद पे जो है कर्ज है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो। तो सूद पे कर्ज जो हो गया शादी और घर में, और इस बार पेमेंट मेरा नहीं आ रहा है। 3-3 चैनल रहते हुए, इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स रहते हुए और फेसबुक पे 40 हज़ार फॉलोअर्स रहते हुए मेरा ये हाल है। 2-2 सिल्वर प्ले बटन है दोस्त, आप लोग जानते होंगे, और काफ़ी ज़्यादा मायूसी छाया हुआ है इस बार, क्योंकि इस बार $100 पूरा ही नहीं है YouTube पे। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट इतना करो कि नेक्स्ट पेमेंट जब भी आए तो थोड़ा सा ज़्यादा आए, ताकि मैं मेंटेनेंस कर सकूँ। तो मैंने कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था, और चलिए यही कहना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार परेशानी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और दुकान पर जितना हो सकता है उतना खर्च रहे हैं, ताकि मेरा जो भी इनकम है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, दुकान से भी पूरा हो जाए। और मैं कर्ज से बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, मैं जिससे एक बार बोल दूँ तो कर्ज मिल जाएगा लोन जमा करने के लिए, लेकिन कर्ज के नाम पर मेरा बिल्कुल रोआ खड़ा हो जाता है। और जो मैंने गलती किया हूँ सूद पे लोन लेकर और कर्ज लेकर, गाँव ही कर्ज लेकर, मैं भी क्या कर सकता है। इसका तबीयत खराब था तो, और घर बनाया था, शादी में हो गया था, उसके बाद तबीयत खराब हो गया, इसलिए मैं नहीं सधा पाया। और कंपटीशन का माहौल है, मेरा पूरा व्यूज गिर गया था उस पे, सिलाई वाले पे, क्योंकि सब कोई कैमरा ले लिए थे और अच्छा खासा वो सबका व्यूज आ रहा था, और मेरा मोबाइल का क्वालिटी काफ़ी कैमरा ख़त्म हो गया था, इसलिए हमको लेना पड़ा। तो ये HDFC पे जो है मेरा लोन है इसका और कैमरा का, और 1 लाख रुपये उठाकर बाजार से हमने कर्ज वाले को दिया था, और जो ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, उनको दे दिया था। और फिर भी है तो दुकान से कमा कमा कर हर महीने सूद दे देता हूँ, तो वो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दो। इसमें अगर कर्ज भी लेना पड़े तो आने वाला मंथ में मैं क्लियर कर सकूँ। और इसी के साथ जो है अपना जो भी रूटीन है मैं दिखा दूँ आप सभी को, नहीं तो कहोगे कि सर आप एक बार दिखाया उसके बाद से नहीं दिखाया। तो ये देखिए, ये आगे से देखिए, नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे फोटो खींच के हम यहाँ पे डाल देंगे, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए मेरा जो है इनकम है आज का, अल्ट्रेशन खाली बनाए हुए हैं 200 का अल्ट्रेशन बनाए हुए हैं, और खर्चा हुआ है 183 रुपया, और प्लस में फिर जो है 10 रुपया खर्चा हुआ है, तो 193 रुपया, यानी कि 7 रुपया का बचत हुआ है आज मेरा। आज दुकान पे 7 रुपया का बचत हुआ है और 200 का कमाई हुआ है। तो क्या बताएं आप सभी से, और आज का जो काम कर पाए हैं 1 पैंट और 1 शॉर्ट सिल पाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आज 3-3 अपलोड किए हैं, एडिट करना था, मिक्सिंग करना था, और एक ब्लाउज सिए हैं जिसको फिनिशिंग करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग लेता है, ब्लाउज रिलेशन का ब्लाउज था, तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया है। तो चलिए इसका फोटो खींच लेते हैं और डाल देते हैं। तो ये ब्लॉग मेरा कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके कि हमसे कुछ भूल हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आदमी का दुख दर्द में कुछ बोल देता है, बट रोशन तरह हकीकत बताएगी, क्योंकि ये जान रही है वाइफ है, तो
इसके जुबानी सुन लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इस बार। हम तो यही कहेंगे आप लोग से हाथ जोड़ के कि आप लोग कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोग कर्ज मत लीजिए। भले 2-3 दिन आप लोग उपास रह जाइए, कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोग कर्ज मत लीजिए। कर्ज से इंसान बहुत परेशान हो जाता है, जैसे मैं ये बहुत परेशान है कर्ज लेकर। कर्ज भी ज्यादा है सूद पे और लोन भी ज्यादा है। तो चलिए हम तो यही कहेंगे कि जो गलती हमने किया आप कभी मत। दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप लोग हमेशा खुश रहा करें। ये भी बोल रही है जो हमारी बेटी भी साथ दे रही है, ये हमारी बेटी भी साथ दे रही है ब्लॉग में। बेटी तो बेटी देखिएगा, अगर लेंगे ना नाइट में तो ये रोने लगेगी। आ जाओ, कहीं वीडियो बन रहा है, नहीं रोएगी। ये देखो ये हो गया। नहीं रहती है इनके पास। अगर दिन में आएंगे ना काम छोड़ के तो खूब रहेगी, नाइट में ऐसे देख लीजिए ये भी जान रही है। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। तो दोस्तों मैं बर्बाद हो गया इस बार। तो दोस्तों ये सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि शुरू में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ये एक्टिंग किया था, क्योंकि इसी बार पेमेंट नहीं आएगा, नेक्स्ट आने लगेगा, क्योंकि $100 फूटता है ना तभी पैसा आता है यूट्यूब से। तो इस बार काम कम हुआ है इसीलिए पैसा नहीं आएगा, इसी मंथ नहीं आएगा, इस महीने का उस महीने जोड़ के फिर पैसा आ जाएगा। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन वाला बात नहीं है। और इतना नहीं करते तो आप लोग यहाँ तक कैसे वीडियो देखते थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाइफ तो इतना मुश्किल से बोल रहे थे, हम ही समझ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और थोड़ा सा आप लोग रियल में सपोर्ट कर दे, ताकि काफी ज्यादा मैं परेशान हो चुका हूँ।